Hey Sufi fam, welcome back and welcome to another video. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे ही डोसा का बैटर कैसे बना सकते हो या आप घर पे डोसा बैटर कैसे बना सकते हो. डोसा बैटर बनाने के लिए हमें लगता है थोड़ा सा जाड़ा चावल, जो कि हम अपने राशन वाले से बोलेंगे डोसा बनाने के लिए चाहिए तो वो आपको बराबर से दे देगा. यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप जाड़ा चावल, 1 कप उड़द दाल, 1/2 कप चना दाल और 1 चम्मच मेथी. ये सब चीज़ ऐड होने के बाद आपको जो है इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है. तो यहाँ पर मैं इसे 3 से 4 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी सो दैट इसमें जो भी डर्ट वगैरह हो, धूल हो, वो निकल जाए. तो यहाँ पर आप मुझे सेकेंड टाइम वॉश करते हुए देख रहे हो. मैंने इसे 3 या 4 बार ही वॉश किया था पर मैंने वो क्लिप में ऐड नहीं किया है. वॉश करने के बाद आप इसमें जो है अच्छा खासा पानी ऐड कर दो और इसे भीगने के लिए रख दो. 8 से 9 घंटा आपको इसे रखना है. 8 से 9 घंटे बाद ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेंगे. अब जो है हमें इसे पीस लेना है. तो आप अपने मिक्सर ग्राइंडर में इसे ऐड करके इसे जो है फाइन पेस्ट बना लो. और जब भी आप इसे पीस रहे हो तो आपने जिस पानी में इसे भिगोया था वही पानी इसमें ऐड करके इसे पीसें. तो यहाँ पर मैंने जब ग्राइंड किया तो इसका टेक्सचर कुछ थोड़ा सा जाड़ा मुझे लग रहा था तो मैंने इसे और पीस कर इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ कर लिया है. तो यहाँ आप देख सकते हो अब इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है. पीसने के बाद इसे आप एक अच्छे बड़े से बर्तन में खाली कर लो. उसके बाद आपको जो है अपने हाथों से इसे अच्छी तरह फेंटना है सो दैट इसमें हवा भर जाए. और इससे क्या होगा, आपका जो डोसा है वो काफ़ी पतला और कड़क टाइप में बनेगा, जैसे कि हम नॉर्मल होटल में खाते हैं उस तरीके का. तो इसे करीबन आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लो. तो यहाँ मैं इसे अच्छे से अभी फेंट रही हूँ. फेंटने पे आप देख रहे हो इसमें थोड़ा सा मतलब टेक्सचर जो इसका और अच्छा होते जा रहा है. फेंटने के बाद आप इसे जो है ढक्कन लगाकर रख दो. अभी हमें लेना है एक कपड़ा, और ऐसा टाइप का कपड़ा लो जो थोड़ा सा इस बैटर को थोड़ी सी गर्मी दे पाए. तो थोड़ा जाड़ा कपड़ा आप ले सकते हो. यहाँ पर मैंने मेरा दुपट्टा जो है वो यूज़ किया है और मैंने इसे जो है अच्छी तरीके से कवर कर दिया है चारों तरफ से. और अब मैं इसे ओवरनाइट रख दूंगी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं इसे जो है ओपन कर रही हूँ. आप देख सकते हैं ढक्कन पर आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहा है पानी का, मतलब हमारा डोसा का बैटर अब रेडी है. और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी राइज हो जाती है फर्मेंटेशन की वजह से. इसे आपको जो है अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेना है. एक बार आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लो तो आपको जो है इसमें सॉल्ट ऐड करना है. सॉल्ट आप अपने लाइकिंग के हिसाब से ऐड कर सकते हो. सॉल्ट ऐड करने के बाद आपको एक बार फिर से इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है. अब आप देख सकते हो हमारा डोसा का बैटर जो है वो एकदम रेडी है. यूज़ करने के टाइम आपको जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप डोसा बना सकते हो. होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको करना है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. अब मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.